हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ताका शुक्ल। एक दफ़ा फिर आपके दिल पर पेश हुआ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। और जिस तरह पिछली वीडियो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, आई एम श्योर आप आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। आज की वीडियो को विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं फटाफट से, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आज की वीडियो में एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जिसमें सब लोग स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा भी पर्सनली बहुत फेवरेट था, जिसको मैंने स्टडी करने के टाइम बहुत इन्जॉय किया। एंड आई एम श्योर आप वीडियो देखते वक्त भी बोर नहीं हो गए। अब इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। डियर व्यूअर्स, दुबई से तो आप सब लोग वाकिफ होंगे। दुबई मॉडर्न तरीन जगह में से एक है। उसकी ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, टूरिज़म और नौकरी की तलाश में आने वाले लोग, अपना कारोबार हो, वर्ल्ड का फर्स्ट 7-स्टार होटल बुर्ज अरब और वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, ये दोनों ही शाहकार दुबई में मौजूद हैं। दुबई की पुलिस की बात की जाए, दुबई की पुलिस वर्ल्ड की सबसे मॉडर्न पुलिस में से एक है। दुबई की पुलिस के कार्स की बात की जाए, दुबई पुलिस छोटी मोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करती। दुबई पुलिस डिपार्टमेंट के पास एक से बढ़कर एक स्पोर्ट्स कार मौजूद है, जिसमें ऑडी R8, फरारी, बेंटली कॉन्टीनेंटल GT और लैम्बर्गिनी जैसी स्पोर्ट्स कार मौजूद हैं, और हेलीकॉप्टर भी यूज़ किए जाते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कैमरास के जाल बिछाए गए हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की बात की जाए तो दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जिसमें 1200 से भी ज़्यादा शॉप्स मौजूद हैं, जिसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम भी बनाया गया है, जिसमें टूरिज्म एक्वेरियम के अंदर जाकर भी मज़े ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पाम जुमेरा की। पाम जुमेरा वर्ल्ड का पहला सबसे बड़ा सहरा है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये सारा का सारा मेन मेड है। और अगर आप इसको स्काई व्यू से देखें तो इसका शेप खजूर यानी डेट्स के दरख्त की शक्ल में बनाया गया है, जो वहाँ का ट्रेडिशनल ट्री भी है। और दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन से तो आप सब लोग वाकिफ होंगे, जो दुनिया की बेस्ट एयरलाइन में आना चाहता है। दोस्तों दुनिया की सबसे खूबसूरत म्यूज़ियम की बात की जाए तो म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर, जो दुबई में मौजूद है, और गोल्ड से बना गोल्डन फ्रेम दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम है। और इसकी ख़ास बात तो ये है कि इसके एक तरफ नया दुबई और दूसरी तरफ ओल्ड दुबई दिखता है। अब दुबई के रोड्स की बात करें या उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की, मेट्रो ट्रेन से लेकर एयरपोर्ट तक, सी साइड हो या वाटर डांस, एक तरफ डेजर्ट हो और एक तरफ फूलों से बना मिरेकल गार्डन, एक से बढ़कर एक बंगलो हो या पानी के बीच खड़ा वर्ल्ड का 7-स्टार होटल बुर्ज अरब हो, दुबई अपनी खूबसूरती से सबको अट्रैक्ट कर ही लेता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर दुबई यहाँ तक पहुँचा कैसे, आखिर क्या थी लीडरों की मेहनत और उनकी प्लानिंग कि आज दुबई दुबई बना है। आइए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। दोस्तों दुबई कभी किसी ज़माने में वीरान सहरा हुआ करता था। साल 1833 की बात की जाए तो एक कबीला जिसको बनियाज बोलते हैं, जहाँ आज दुबई है, वहाँ आकर बसना शुरू हो गया था। और दुबई उस ज़माने में फिश सिटी के नाम से मशहूर था, यानी मछेरों का इलाका। और दुबई में मछलियाँ पकड़ने के अलावा कोई और ख़ास काम नहीं किया जाता था। दोस्तों 1912 दुबई की हुक्मरानी शेख सईद बिन मखदूम के पास आ गई। उस वक्त दुबई में मोती ढूंढने का काम बहुत तेज़ी से किया जा रहा था, और दुबई एक ब्रिटिश को कहते थे। 1958 में जब शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम दुबई के लीडर बने, और ये वो इंसान थे जिन्होंने एक विलेज को शहर में बदल दिया। इन्होंने 1963 जहां बहरी जहाज़ आकर रुकते थे, इसको बड़े और गहरा करवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये जगह काफ़ी छोटी थी और उस जगह पर बड़े या मॉडर्न बहरी जहाज़ नहीं आ सकते थे। इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी हैवी बजट भी लगा दिया था, और इसके लिए इन्होंने कर्ज़ा भी ले लिया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन शेख जानते थे कि इससे दुबई की इकनॉमी पर असर पड़ेगा, और ये बाद में सक्सेसफुल भी हो गया, और इस बार जहाज़ आना शुरू हो गए और इससे गोल्ड की मार्केट चलना भी शुरू हो गई। दोस्तों शेख अक्सर अमेरिका, यूरोप और बरतानिया जाते रहते थे, और उनको वहाँ का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद था, ख़ास तौर पर लंदन का।
तो शेख के दिल में ये ख्वाहिश थी कि काश दुबई भी इस तरह का मॉडर्न सिटी बन सके, क्योंकि वो वहाँ के अंडरपास, वहाँ के रोड्स, वहाँ की कार्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। और उनके दिल में ख्वाहिश थी कि काश सेम इसी तरह दुबई भी तरक्की कर जाए। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। शेख राशिद ने दुबई को एक न्यू शक्ल देना शुरू कर दी। 1959 में इन्होंने एयरपोर्ट भी बना दिया। लोग समझते थे शेख पैसे ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन 1966 में दुबई की लक काम कर गई और ये वो साल था जहां दुबई से तेल यानी ऑयल निकल आया। लेकिन मसला ये था कि ये तेल के ज़खायर इतने ज़्यादा नहीं थे। शेख ने इसको काफ़ी सोचा और इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि दुबई ऑयल पर डिपेंड नहीं कर सकता। और दोस्तों, इन्होंने इस ऑयल को यूज़ करके दुबई पर दूसरे प्रोजेक्ट बनवाना स्टार्ट कर दिए थे। इन्होंने दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स को बुलवाकर दुबई को तामीर करवाना शुरू कर दिया। जब 1979 में दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग बनवा दी गई और 1981 में शेख राशिद की वफात हो गई। आज जो दुबई के अमीर यानी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, ये इन्हीं के बेटे हैं। आज मॉडर्न दुबई जो आप देख रहे हैं, इन सब के पीछे शेख मोहम्मद का ही माइंड और मेहनत है। दुबई में ये बनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग कच्ची मिट्टी पर बनी हुई है, और कच्ची मिट्टी पर पूरा शहर बनना कोई आसान बात नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जिस कंक्रीट पर खड़ी है, उसका वज़न 1000 टन से भी ज़्यादा है। ये सब चीज़ें बनी कैसे, इसका हल भी शेख मोहम्मद के ही पास है। शेख मोहम्मद ने महसूस किया कि उनके आसपास के पहाड़ वी शेप में हैं, यानी पहाड़ पानी के फ्लो से काटा गया है। इन्होंने वहाँ पर ड्रिल करवाई और वहाँ पानी मौजूद था, और यही रीज़न है जहाँ दुबई की बिल्डिंग्स खड़ी हैं। शेख राशिद की तरह इनके बेटे ने भी यही समझा कि दुबई ऑयल पर डिपेंड नहीं कर सकता, और आज भी ऑयल दुबई की ओनली 5% हिस्सा है। बाकी का 95% हिस्सा टूरिज्म और ट्रेड है, और इन सब के पीछे शेख मोहम्मद की ज़बरदस्त प्लानिंग है, क्योंकि इन्होंने हमेशा से यही बोला है। What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number one. और इन्होंने बहुत अकलमंदी से ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जिसकी वजह से पूरी दुनिया दुबई की तरफ इंट्रैक्ट हो गई। दुबई की इकनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इसका कार्गो पोर्ट भी है, जिसे जबल अली बोलते हैं। मिडिल ईस्ट का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट, और यहाँ कस्टम टैक्स और ड्यूटी फ्री है, और यहाँ दुबई इकनॉमी का सिर्फ 20% हिस्सा माना जाता है। आज दुबई में 80% लोग वो रहते हैं जो दूसरे ममालिक में से दुबई में आकर सेटल हैं और दुबई में रहकर काम करते हैं और अपने घर बेचते हैं। दोस्तों, ये तो था आज का दुबई, लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम दुबई को काफ़ी आगे ले जाना चाहते हैं, और आगे किस तरह से ले जाना चाहते हैं कि डेफिनेटली वो आगे एक बड़े से बड़े महंगे से महंगे प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। उनकी प्लानिंग कितनी आगे तक है, आइए देखते हैं अब आगे की वीडियो। दुबई पूरी दुनिया में इतना मशहूर हो गया है कि बहुत से लोग दुबई को एक कंट्री मानते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है दुबई कंट्री नहीं बल्कि UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक सिटी है। पूरी दुनिया दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा को देखने जाती है, लेकिन दुबई के हुक्मरान इसे देखकर अब तंग हो चुके हैं। इसीलिए मोहम्मद बिन राशिद अब बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग बनाने का सोच रहे हैं, जिसका नाम दुबई क्रीक टावर है। आज जिस दुबई के पास दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड हासिल है, दुबई अपना बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, और वो बिल्डिंग बादलों को फाड़ते हुए निकलेगा। अगर बात की जाए दूसरे सबसे बड़े प्रोजेक्ट की, तो उसका नाम है हाइपरलूप। हाइपरलूप वो टेक्नोलॉजी है जो कम वक्त में इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है, और ये इतनी हाई स्पीड होगी जितना एक एरोप्लेन की स्पीड होती है। और ये हाइपरलूप दुबई से अबू धाबी के लिए बनवाई गई है। दोस्तों, दुबई से अबू धाबी का सफ़र 1 घंटे से भी ज़्यादा है, लेकिन हाइपरलूप इसे 12 से 15 मिनट्स में ही तय कर लेगी। दुबई में इसका स्टेशन बुर्ज खलीफा के पास होगा, और अबू धाबी में इत्तेहाद टावर के पास होगा, और जिसका
सक्सेसफुली टेस्ट भी क्लियर किया जा चुका है। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से लाइक करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टॉपिक लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।